जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अक्टूबर भी लगभग अब ख़त्म ही हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब आपको अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। 90% लाना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत आसान काम है। 90% आपका आएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर 90% लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है किस चीज़ की, अनुशासन की, टाइम टेबल की। अगर आपने अपना बेस्ट टाइम टेबल बना लिया तो टॉपर भी कुछ नहीं होते, वो सिर्फ टाइम टेबल की बदौलत ही अपने बोर्ड में टॉप कर पाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर पाते हैं, अपने स्कूल में टॉप कर पाते हैं। तो नवंबर के महीने से आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज करना है, पहले हम आपको बता चुके हैं सितंबर अक्टूबर से आपका टाइम टेबल क्या था। लेकिन अभी आपको अपने टाइम टेबल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि समय है आईपीएल का चल रहा है। आईपीएल को अब भाड़ में जाने दो, आपका टारगेट ओनली ऑन स्टडी होना चाहिए। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना रेड पेन से 90%, ये है सिर्फ आपका टारगेट। आईपीएल हर साल आता रहता है, आईपीएल देखना अभी आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। सुबह जग करके उसकी हाईलाइट देख करके भी आप अपना काम चला सकते हो। तो अभी आपका टारगेट, आपका फोकस ओनली स्टडी होना चाहिए, अपना टारगेट होना चाहिए 90%। तो फ्रेंड, अभी मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बना करके तैयार किया है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे उनके पास बायोलॉजी हो चाहे पीसीएम हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने एक टाइम टेबल बना करके तैयार किया है। उस टाइम टेबल में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आपको स्टडी करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इवनिंग टाइम में आपसे सिर्फ 4 घंटे का समय लूँगा, मॉर्निंग टाइम आपसे सिर्फ 2 घंटे का समय लूँगा। यानी शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में, यानी सिर्फ 11 घंटे में मैं आपसे 6 घंटे का टाइम मांग रहा हूँ। अगर आपने ये मुझे 6 घंटे का टाइम दे दिया ना, तो यहाँ पर ये रेड पेन का लिखा हुआ दूर नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लेकर के आ सकते हो। ये आपका फोकस होना चाहिए, कुछ करके दिखाना है, यही समय है। क्योंकि अक्टूबर भी खत्म हो गया, लगभग आपके पास 100 दिन का समय मान लीजिए। सिर्फ 100 दिन में आप जितना कर जाओगे ना, वही आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। तो शाम के टाइम में 4 घंटे मांग रहा हूँ, मॉर्निंग के टाइम में 2 घंटे मांग रहा हूँ, कोई ज़्यादा समय नहीं है। 24 घंटे में से 6 घंटे आप इजीली दे सकते हो, वो भी शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का टाइम ऐसा है, इसमें आपके पास कोई काम नहीं रहता है। आप अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हो, या इस टाइम को वेस्ट कर सकते हो आईपीएल देखने में। तो जो स्टूडेंट अपना टारगेट है उसको पाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी हम बात करेंगे इवनिंग टाइम में किस तरीके से पढ़ना है। उनको शाम को 7 बजे अपनी स्टडी रूम में बैठ जाना है। शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में फिजिक्स पढ़ना है पीसीएम वाले छात्रों को, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनको फिजिक्स पढ़ना है, और जिनके पास बायोलॉजी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उनको भी शाम को 7 से 8:30 तक फिजिक्स पढ़ना है। 1.5 घंटे 90 मिनट आपको कंटिन्यू फिजिक्स पढ़ना है। इसमें आप क्या करोगे, एक तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उनको साथ साथ बनाते रहिए। अगर आप इस वाले टाइम पीरियड में, अगर आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स का 6वां चैप्टर ओपन कर रहे हो, तो इससे पहले आपको क्या करना है, 5-5 मिनट तक एक चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका साथ ही साथ सारे चैप्टर्स का रिवीजन होता चला जाएगा, और आपको कोशिश करनी है लिख लिख करके याद करने की। इससे 2 फायदे हैं, हैंडराइटिंग सुधरेगी, लॉन्ग समय तक याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आवर की बात करते हैं, 10 मिनट का रिलैक्स के बाद 8:40 से 10 बजे तक यहाँ पर आपको 80 मिनट की कंटिन्यू स्टडी करनी है। इस 80 मिनट में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इन 80 मिनट में केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि जो जिनके पास बायोलॉजी है उनके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट ईजी होता है, और जिनके पास मैथ है उनके लिए मैथ सब्जेक्ट हार्ड रहता है। तो उनको यहाँ पर 80 मिनट मैथ को देने की ज़रूरत है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को 80 मिनट केमिस्ट्री को देने की ज़रूरत है। तो सेम इन 80 मिनट में आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है, तीनों चीज़ जो फिजिक्स में अपनानी है वही केमिस्ट्री में अपनानी है, मैथमेटिक्स में भी अपनानी है। लेकिन यहाँ पर आपको नोट्स 100% बनाने हैं। फ्रेंड, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हमारे चैनल पर 10 अक्टूबर को सुपर बुक लॉन्च हो रही है, पीसीएम बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट समावेश किया गया है। बोर्ड परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र इस बुक में समावेश है।
अगर आप 10 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो इस नंबर पर मात्र 300 रुपये पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन 10 अक्टूबर को बुक लॉन्च होने के बाद इस बुक की प्राइस 400 रुपये हो जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है तो आप एडवांस में बुक करके इस बुक को प्राप्त कर सकते हो। बुक बोर्ड परीक्षा 2021 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है ये। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट टाइम टेबल की बात करते हैं, तो रात को 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैथ वाले छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी वाले छात्रों को बायोलॉजी पढ़ना है। 1 घंटे का समय ये निकालना है। इसके बाद आपको सो जाना है। रात को 11 बजे सोने के बाद आपको मॉर्निंग में 4:30 बजे जगना है, यानी आपकी नींद है वो 5.5 घंटे की हो जाएगी, जो कि एक छात्र के लिए बहुत अच्छी नींद होती है उनके स्वस्थ मस्तिष्क के लिए। तो सुबह 4:30 बजे जगने के बाद 5 बजे तक आपको हिंदी पढ़ना है। बहुत सारे छात्र अगर ऐसे सोच रहे होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट हैं, इनको मैं पेपर से 1 महीने पहले देख लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसे छात्र बहुत गलत कर रहे हैं। वो अपना टारगेट है 90%, उसको अचीव करने में पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी से आज से ही आपको हिंदी और इंग्लिश को डेली 1/2 घंटा देने की ज़रूरत है। अभी से साथ साथ लेकर के चलोगे तो पेपर टाइम पे आपके पास प्रेशर नहीं बनेगा, आप दबाव में नहीं आओगे कि मेरी एक सब्जेक्ट तो छूट गई, क्योंकि हिंदी का पेपर इंग्लिश का पेपर भी उतने ही मार्क्स का होगा जितना फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री और बायो का पेपर होने वाला है। उसके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं, इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। तो उतना योगदान उन पेपरों का है, उतना ही योगदान इन पेपरों का भी है। तो अगर हम फिजिक्स मैथ को 1.5 घंटा दे सकते हैं तो हिंदी और इंग्लिश को हम 1/2 घंटा क्यों नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग का टाइम यहाँ पर सजेस्ट किया है 4:30 से 5 के बीच में, क्योंकि हिंदी आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, संधि विच्छेद होते हैं, लेटर होते हैं, और भी जीवन परिचय, तो वो सब याद करने वाला मटेरियल है, तो इसको मॉर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से याद होता है, इसलिए उनका टाइम टेबल मॉर्निंग में सेटल किया गया है। फिर 5 बजे से 5:30 बजे तक 1/2 घंटा आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो 1 घंटे में ये दोनों सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएंगी 200 नंबर की। और 5:30 से 6 बजे तक इन 1/2 घंटे में आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर जितने भी चैप्टर आपके ख़त्म कर लिए उनका जल्दी जल्दी आपको मतलब फास्टेस्ट रिवीजन करना है इन 1/2 घंटे में। तो डेली डेली आप किसी एक सब्जेक्ट का नंबर ले सकते हो, एक तो यहाँ पर भी आप पूरा टाइम दे रहे हो और सुबह उसका रिवीजन भी कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट आपकी एकदम कंटस्ट हो जाएगी, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और बात करें सुबह 6 बजे के बाद आपको क्या करना है, गो फॉर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आपका करना बेहद ज़रूरी है। एक बोलते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करोगे आप स्वस्थ रहोगे, आप पर तनाव नहीं आएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का विचार होगा, आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे। पढ़ाई वाली भावना ही रखें, पढ़ाई के बारे में हमेशा सोचें, अपने टारगेट को अचीव करने के बारे में हमेशा सोचें। और फ्रेंड यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप गूगल पर सर्च करते हो physicshindi.com तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड ऐसा टाइम टेबल बनाइए, बोर्ड परीक्षा में 90% कोई नहीं रोक सकता, आसान है, आएगा, कोई रोक के दिखाए उसे मैं देखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।